हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग 2020 और 21 का जो सिलेबस है उसको एक बार देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे आपके बुक में जो है चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो है आपका स्टोरीज ऑफ विलेज पालमपुर। पहला जो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तीसरा होगा आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और चौथा जो चैप्टर है वो आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। थोड़ी हाइड्रेटिंग का प्रॉब्लम है, आप उस चीज को अपने बुक से मिलाते रहेंगे। ठीक है, बोर्ड पे अगर अच्छे से ना दिखें, कॉमन चीजें थोड़ा समझ लेंगे, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही सिलेबस होता था आपके नाइन्थ क्लास में, क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में होता क्या है ना कि आप एक बेसिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़े हुए, ठीक है, तो बेसिकली आप एट क्लास में पढ़ते हैं तो एट क्लास में आपने जो भी पढ़ा होगा वो बेसिकली होता क्या है ना कि आपके तीन ही पोर्शंस होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स जो होता है वो कंबाइंड होते हैं। इस बार आपको इकोनॉमिक्स में पहली बार होगा और इकोनॉमिक्स जो है आप बेसिक्स यहां से शुरुआत करेंगे। तो 2020-21 के सिलेबस के अनुसार क्या किया गया है कि आपके इस वाले चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिकली आपको तीन ही चैप्टर पढ़ने, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो यही चैप्टर जो है आपको तीन जो चैप्टर होंगे आपको 20 नंबर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक, तो देखिए स्टोरीज ऑफ विलेज पालमपुर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पालमपुर के बारे में तो स्पेशली जानना ही नहीं है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स जो है पहली बार नाइन्थ क्लास में आए हैं तो पढ़ रहे हैं, तो यहां से आपकी जो इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो बेसिक स्टार्ट होती है कि आपको पढ़ने क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से यानी कि पालमपुर जो कहानी है एक विलेज की, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल विलेज के एग्जांपल्स लिए गए हैं। इसमें आपका होगा क्या ना कि एक बोल सकते हैं कि काल्पनिक जगह है पालमपुर जो सिटीज है, सॉरी विलेज है, उसका एक एग्जांपल लिया गया और इसके माध्यम से आपको ये पढ़ाया जाएगा, इस चीज को बताया जाएगा कि आखिर जो हम इकोनॉमिकल प्रोडक्शन जो करते हैं यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन जो होंगे इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे यानी कि पैसे का पति, तो जो प्रोडक्शन होंगे उसके बेसिक्स क्या होंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपिक्स देखते क्या है कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपको कौन कौन सी स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कौन कौन से सब टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक इसमें पढ़नी है वो आपको होगा पालमपुर के बारे में जानकारी। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्या क्या है, कितने फैमिलीज हैं, किनके पास लैंड है, कितने लैंडलेस लेबर है, किनके पास जमीन नहीं है, आप बोल सकते हैं कि ये आपका शहर से कनेक्टेड है कि नहीं है, विलेज है, ये रोड है कि नहीं है, या ये चीज आपका एक डिटेल है। दूसरा आपको इस टॉपिक का जो बोल सकते हैं कि मेन मोटिव क्या है या मेन टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे आपका चार ही होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल।
तो इस पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के जितने भी आपके टाइप्स होंगे या फैक्टर्स होंगे उनको एक विलेज में काम के या बोल सकते हैं कि विलेज में कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो उससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि लैंड, तो लैंड से रिलेटेड आ गया वार्ड यहाँ पे आ गया, यानी रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। कैपिटल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा लैंड लेबर, यानी कि कौन कौन से इसमें लेबर इंक्लूडेड होंगे। थर्ड आपका कैपिटल, तो विलेजर जो है कैपिटल गेन कहां से करते हैं, किस प्रकार से वो अपना कैपिटल गेन करेंगे। चौथा आपका आ जाएगा क्या उसको बोल सकते हैं लास्ट में ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल कौन कौन से होंगे। ठीक है, चौथा आपको इसमें पढ़ना है, तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी या ठीक है इसको आपको पढ़ना है। तो ये आपका बेसिकली तीन ही टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, टूरिज्म विलेज पालमपुर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेज पालमपुर के बारे में। ठीक है, हो सकता है इसे इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है तो थोड़ी बहुत इसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वार ये जो वार्ड है, ये आपका जो विलेज जो है पालमपुर, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो आपके रानीगंज के से, ठीक है, रानीगंज से 3 किलोमीटर से दूरी पे है, यानी वाला क्या है, ठीक है, कनेक्टेड विथ सिटी जिसका नाम है आपका रायगंज, सॉरी हमने रानीगंज कहा, ठीक है, जो कि आपका इसका जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। क्लियर, दूसरा जो इसमें आप पढ़ सकते हैं विलेज में जो है आपका वेल कनेक्ट रोड है। ठीक है, वेल कनेक्ट रोड, ठीक है, वेल कनेक्ट रोड है जो आपके अदर स्मॉल टाउन जो है जैसे कि शाहपुर या अदर जगहों पे ये मिलाते हैं, यहां पे आपका ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, वेल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी है। अब आप लोग पढ़ेंगे इसमें विलेज में पालमपुर के बारे में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पढ़ने क्या है कि आप देख सकते हैं कि विलेज जो है, ठीक है, पालमपुर में जो है 450 फैमिली जो रहती है, ठीक है, 450 फैमिली रहेंगी जिसमें से आपका 80 जो है अपर क्लास अपर कास्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंड बाकी जो होते हैं आपके, ठीक है, जो अदर्स कास्ट के हो सकते हैं या अदर्स पीपल्स होते हैं खास करके एसी, ठीक है, 80 जो पीपल जो आपके अपर कास्ट फैमिली जो है ये डोमिनेंट है पूरे विलेज में। ठीक है, इनके पास जमीन जो है सबसे ज्यादा इन्हीं के पास जमीन है और वो आप रिचेस्ट पर्सन जो है विलेज के ये होंगे। इसी में बाकी जो आपके फैमिली वर्थ है 370 फैमिली जो आपकी बचेगी। ठीक है, 370 में भी बहुत सारा इसमें पार्टीशन होगा, किसी के पास लैंड होंगे, किसी के पास लैंड नहीं होंगे, ठीक है, कुछ आपके कम लैंड वाले होंगे, कुछ मीडियम टाइप्स के लैंड वाले होंगे, इनके बारे में आपको जानकारी करनी है। तो बेसिकली आपका पालमपुर जो है ये आपका एक शॉर्ट समरी है कि पालमपुर में कौन कौन से लोग रह सकते हैं। ठीक है, एक तरह का इमेजिनरी ये है विलेज है जिसके बारे में आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल टॉपिक। ठीक है, खासकर से इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है एक या दो नंबर में, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि आपके कितने फैमिलीज हैं। ठीक है, आपका पास का जो सबसे नजदीकी जो है कौन सा सिटी है, जैसे रायगंज होंगे, दूसरा जो आपका कनेक्टेड है शाहगंज सॉरी शाहपुर वो आपका हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ये चीज एक कॉमन चीज है जो आपको एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पढ़ने हैं एक या दो नंबर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे मेन टॉपिक जो है वो है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी प्रकार के इकोनॉमिकल, ठीक है, अगर प्रोडक्शन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो जरूरी हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो फैक्ट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको चार फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में आपका आता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ठीक है, ये हिंदी वाले टर्म होंगे। फिर जब आप पढ़ेंगे कैपिटल में तो कैपिटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो होंगे आपके फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, और दूसरा हो जाता है मूविंग कैपिटल, मूविंग कैपिटल, ठीक है। अब इस चीज को समझेंगे टर्म बाय टर्म, ये होंगे क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका लैंड, ठीक है। तो लैंड के बारे में हम ये देखेंगे कि द लैंड्स आर द बेसिक नीड्स, ठीक है, लैंड्स आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शंस, ठीक है, विच कैन बी यूटिलाइज एज अ रॉ मेटेरियल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मेटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शंस, ठीक है। लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस, ठीक है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, मिनरल्स, इसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक। अब समझेंगे इसको, हम यहां पे लैंड की बात करेंगे तो लैंड कहने का मतलब ये आपने ज्योग्राफी में जो आप वर्ड पढ़ते हैं लैंड यानी कि भूमि, बट ये भूमि से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर एक ब्रॉड वे में देखा जाए तो लैंड कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे जो प्रोडक्शन जो है जहां से आपको रॉ मेटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है, रॉ मेटेरियल्स मिलेंगे और साथ साथ आपका प्लेस भी है, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, प्लेस भी होगा और साथ साथ रॉ मेटेरियल्स भी होगा। लैंड कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी रॉ मेटेरियल्स हैं वो हमको कहां से मिलता है, ये चीज आपका लैंड से रिलेटेड होगी, क्लियर। अब आगे समझेंगे इस चीज को, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमारा कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमको शुगर का प्रोडक्शन करना है, तो शुगर के प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, शुगर कैन चाहिए, ठीक है। अब ये शुगर कैन जो है वो क्या हुआ, लैंड से रिलेटेड है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक सिंपल वर्ड की हम बात करें तो फर्स्ट एक्टिविटी यानी कि आपका प्राइमरी सेक्टर वर्क यही वर्क होता है, प्राइमरी सेक्टर वर्क यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इन द लैंड। दूसरा आता है जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे वो होगा आपका लेबर, ठीक है, दूसरा आपका वर्ड आता है लेबर। दूसरा वर्ड है आपका लेबर, ठीक है। बुक में डिफिनेशन जो दिया हुआ है वो है आपका पीपल हु विल बी डू वर्क सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एजुकेशन वर्क टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं द पीपल हु कैन, ठीक है, हु कैन वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और मटेरियल्स एंड, ठीक है, पीपल हु वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड एज
आर कंसिडर्ड एज लेबर, यानी कि द पीपल हु कैन वर्क। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक अलग अलग व्यक्ति जो है या अलग अलग पीपल होंगे, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान के चलिए अगर राजमिस्त्री की हम बात करेंगे तो वहां पे आपको कम एजुकेशन की जरूरत है। वहीं आप एक बड़े बड़े फैक्ट्री में चले जाएंगे, इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या होंगे, उनको हाई एजुकेशन की जरूरत होती है। तो ये सारे के सारे लेबर्स उसमें कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो मेन टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो है आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, हिंदी वर्ड इसको हम कह सकते हैं पूंजी, यानी कि इसको ऐसे समझेंगे द अमाउंट ऑफ मनी विच यूज और विच यूटिलाइज, ठीक है, एट टाइम ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज कैपिटल, यानी कि प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन के समय जो हमको मनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चीज कहलाता है कैपिटल। ये आपके दो टाइप होते हैं, ठीक है, इसको हम दो कैटेगराइज करते हैं। पहला कैटेगराइजेशन है आपका, इसमें हम देख सकते हैं फिक्स कैपिटल, और दूसरा होता है इसमें मूविंग कैपिटल। तो ये फिक्स कैपिटल क्या होंगे, मूविंग कैपिटल क्या होंगे, ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में कहीं कहीं पर पढ़ते होंगे किसी व्यक्ति की चल अचल संपत्ति, ठीक है, चल अचल संपत्ति, उसी को हम लोग बोलते हैं मूविंग चल अचल फिक्स। ठीक है, अब ये होंगे क्या, जैसे कि मान के चलिए इसको सिंपल एग्जांपल में समझेंगे, ठीक है, फिक्स कैपिटल और मूविंग कैपिटल। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एक फैक्ट्री की जरूरत है। ठीक है, फैक्ट्री के लिए दो चीज होगी, लैंड की जरूरत होगी, ये हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मान के चलिए फैक्ट्री जो है उसको हमने क्या किया, किसी जगह पे उस चीज को हमने फैक्ट्री को बना दिया, सपोज कीजिए कि हमारी वो फैक्ट्री जो है यहां पे तैयार हो गई। ठीक है, अब जो हमने ये फैक्ट्री जो बनाई है, हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अब मान के चलिए क्या ये फैक्ट्री एक जगह से दूसरी जगह यूटिलाइज हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ऐसे मान के चलिए ये फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन तो प्रोडक्शन में हुआ है, इस फैक्ट्री को बनाने में हमारा क्या हुआ है कि एक अमाउंट जो है यूज हुआ है, यानी कि पैसा या बोल सकते हैं मनी। बट ये जो मनी हमारे प्रोडक्शन में ही यूज होती है और ये जो मनी है कहीं दूसरे जगह मूव नहीं कर सकती है, तो ऐसे मनी को हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो ये तो एक सिंपल समझाने की बात है, बट डिफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि द फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल्स विच कैन बी यूटिलाइज एट द वंस एंड गिव देयर रिजल्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम आर कंसिडर्ड एज द फिक्स कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, दूसरी बात आओ व्हीकल्स या अदर्स मटेरियल, वो चीज कहलाता है फिक्स। अब मान के चलिए अब मूविंग कैपिटल क्या कहलाएगा। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि हमने प्रोडक्शन को फैक्ट्री बना दी, हमारे पास लैंड मिल गया, हमने फैक्ट्री बना दी, हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गए हैं, अब उस रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए उस रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन करके एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अब हमको क्या चाहिए, तो कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि ये कुछ लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करेंगे 8 घंटे इन्होंने काम किया, अब ये 8 घंटे के बाद जब जाना शुरू करेंगे या जाने लगेंगे तो इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए इनकी तनख्वाह, या आप बोल सकते हैं इनको इनकी पेमेंट चाहिए। अब इस पेमेंट को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास कैश पैसा होगा या उस मकान ये उस
प्रोडक्शन मालिक के पास जो क्या होंगे, कैश होंगे, या हो सकता है कि उसके पास गोल्ड हो या अदर मेटल जो हो जो पहले के जमाने में होते थे, ठीक है। या हो सकता है आपने बहुत बार सुना होगा जो अगर गांव या विलेज से रिलेटेड होते हैं, जो गांव में या खेतों में लोग जो मजदूर काम करते हैं, तो वो जाते समय क्या लेते हैं ना कि वो अनाज जो होते हैं वो, जैसे कि मान के चलिए सपोज कीजिए उसको क्या बोल सकते हैं, फूड ग्रेन, उसको वो ये लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो देख सकते हैं कि एक तो तरह का ये मनी ही है, कैश हो जाएगा या मेटल या गोल्ड मेटल हो जाएंगे लिक्विडिटी में, या आपका फूड ग्रेन होता है, ठीक है। ये एट द प्रोडक्शन ऑफ टाइम, एट द प्रोडक्शन ऑफ टाइम यूटिलाइज होता है फॉर गिविंग द पेमेंट टू द वर्कर। तो ये जो सारे के सारे जो मेथड है या पेमेंट है वही चीज कहलाते हैं मूविंग, ठीक है। यानी कि अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल डिफिनेशन की हम बात करेंगे, तो मूविंग कैपिटल आर द दोज कैपिटल विच कैन बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी मीन्स दैट कैश आर कंसिडर्ड एज द मूविंग कैपिटल, ठीक है। अब यहां पे आपका एक वर्ड आता है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, यहां पर हम साइंस में पढ़ेंगे तो लिक्विडिटी का मतलब होता है बहाव, बट यहां पे लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स में एक अलग वैल्यू होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, जो कि आप हो सकता है कि ये कॉइन हो जाए, ठीक है, चेक हो जाए, ठीक है, या हो सकता है आपका कैश, जैसे कि आप पेपर नोट हो सकते हैं, या आप पेपर नोट, दूसरा आप बोल सकते हैं आजकल हो सकता है डिजिटल पेमेंट भी है, ये सारे के सारे चीज क्या कहलाएंगे, लिक्विडिटी कहलाएंगे, या बोल सकते हैं मूविंग कैपिटल। ये सारे के सारे एग्जांपल मूविंग कैपिटल के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल चेक हो सकता है, कॉइन हो सकता है, पेपर नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपका आजकल का फॉर्मेशन जो है डिजिटल फॉर्म आया हुआ है वो चीज होती है, ठीक है। चौथा आता है आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अभी ह्यूमन कैपिटल क्या होंगे, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा समझने की यहां पे जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन कैपिटल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन अरेंज ऑल अदर थ्री फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड परफॉर्म अ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट दे सेल इट आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। यहां पे आपका एक लेबर और ह्यूमन कैपिटल में अंतर होता है। यहां पे ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे कैपिटल्स, या बोल सकते ह्यूमन कैपिटल आर दोज कैपिटल विच कैन ऑर्गेनाइज ऑल अदर थ्री फैक्टर्स, जैसे लैंड, लेबर्स, कैपिटल का वो ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको व्यवस्था करते हैं, और उसके द्वारा ये प्रोडक्शन कराते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद वो सेल करने की जिम्मेवारी इनकी होती है, वो चीज कहलाती है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लेबर करने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो काम होता है बस एक ही काम होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कर देना, प्रोडक्शन कर देना, रॉ मेटेरियल कहां से आएगा इनको जरूरत नहीं है, कैपिटल कहां से रेज होंगे इनको इस चीज से मतलब नहीं होती है। इनका काम क्या होता है कि आएंगे, काम करेंगे, पैसा लेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इनका काम होता है कि सबसे पहले लैंड की व्यवस्था करना, कैपिटल की व्यवस्था करना, उसके बाद आपका लेबर का व्यवस्था करना, और इनके बाद ये प्रोडक्शन कराते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा ये सेल करेंगे, ये इनका काम होता है, तो वो चीज कहलाती है ह्यूमन कैपिटल, क्लियर। तो ये है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आपने चारों के चारों चीज को पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपका यहां पे आप बोल सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा बहुत काम होगा जो आप अगली क्लास में बताएंगे, या आप डाउट क्लास जब होंगे या आप चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपका क्या होगा कि एग्जाम्पल्स को, हर एक फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स को देखना, उनका नोट्स बनाना, ठीक है। और दूसरा आपका काम होगा, ठीक है, आप अपने विलेज के या सिटीज के बारे में, ठीक है, जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको दिखाई देंगे उनके बारे में लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।